सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। मिस्टर कौशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। ये है स्प्लेंडर प्लस। इसके अंदर है एक छोटी सी प्रॉब्लम, चलिए वो देख लेते हैं। पहले तो गाइज आपने इंजन की साउंड सुनी, पूरी एक्सीलेटर देने पर भी कोई भी मिसिंग या कोई भी झटका इसके अंदर नहीं है। अब हम इसको दौड़ा के आपको दिखाते हैं। आप देखिए गाइज, ये जो है थोड़ी जब एक्सीलेटर दे रहे हैं तो चल रही है और 30 से ऊपर नहीं जा रही। तो अब देखिए हम आपको एक्सीलेटर देके दिखाएंगे। एक्सीलेटर देखिए, तो देखिए गाइज ये से ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे जाम हो जाएगी, झटके भी दे रही है। इंजन की साउंड सुनाता हूँ आपको। देखिए गाइस, मैं खुद अब इसको ड्राइव कर रहा हूँ। देखिए एक्सीलेटर देता हूँ तो बाइक जो है देखिए आगे नहीं जा रही, पूरे एक्सीलेटर में और पीछे आ रही है। देखिए अब ये बंद होने जैसे होगी, ये देखिए झटका लिया और बंद हो गई बाइक। तो यही इसमें प्रॉब्लम है। चलिए अब देखते हैं इस बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम है। गाइस, यदि आपके बाइक में अचानक से पेट्रोल ख़त्म हो जाए रास्ते में, तो आप यही सोचते हैं कि हमें जो है पेट्रोल पंप तो दूर है, क्यों ना किसी लोकल शॉप से पेट्रोल डलवा लें। और यही हम करते हैं। जब हम लोकल शॉप से पेट्रोल डलवाते हैं तो होता क्या है, देखिए इस ढक्कन के अंदर आधा पेट्रोल है और आधा हम इसके अंदर मिलाते हैं थिनर। देखिए ये है थिनर। अब थिनर है 50 रुपये लीटर और पेट्रोल है 90 रुपये लीटर। अब जो दुकानदार जो पेट्रोल बेचते हैं वो यही करते हैं, उसके अंदर थिनर मिला देते हैं, क्योंकि इससे जो है बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आप उसकी पहचान कैसे करोगे? तो गाइज आप देख के तो पहचान नहीं कर सकते, लेकिन जब उस पेट्रोल को आप अपनी उंगलियों पे हाथ पे लगाओगे और उसको स्मेल करोगे, सूंघोगे, तो आपको जो है पेट्रोल की स्मेल नहीं आएगी, उसमें से थिनर की स्मेल ज़्यादा आएगी। यही सिर्फ एक तरीका है उसको पहचानने का, पेट्रोल असली है या नकली। और जब भी इसके अंदर थिनर मिल जाता है तो ये ऐसे ही आग पकड़ता है जैसे कि पेट्रोल, इसलिए बाइक के अंदर जो है पता ही नहीं चलता पेट्रोल है या थिनर है। और उसके कारण जो है एक बीमारी जो है, एक फॉल्ट जो है बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये है दो प्लग। इस प्लग में देखिए आप बीच वाला हिस्से में आप ध्यान से देखिए, आपको एक वाइट वाइट सा जो है एक मटेरियल इसके अंदर दिखाई देगा, एक पाउडर सा, ठीक है। और ये है एक भाई ने नया प्लग डलवाया था 2 दिन पहले और ये मेरे बाइक पास ये बाइक आई। और इसमें भी आप देखिए बीच में जो है होना तो ये बीच से चाहिए काला, ठीक है, लेकिन ये है बिल्कुल वाइट। इसके अंदर कुछ वाइट वाइट सा पाउडर अब जो है भर चुका है। ये वाइट पाउडर ही थिनर का है। अब बाइक के अंदर क्या फॉल्ट आ रहा था वो भी देख लीजिए। प्लग ही खराब है शायद, नया डाल के ट्राई लग के पता लगेगा। ट्राई करके देखते हैं नया डाल के। हेलो, ले नया प्लग। ठीक तो करानी पड़ेगी ना, ठीक करानी। चलो भाई चलो। तो भाई आप देखते हैं इसको बाइक को खींच के बाहर निकलते हैं।
तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि आप कुछ ना कुछ सीखे हैं तो गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ दीजिए अनुमति, जय हिंद, वंदे मातरम।